विशाल शेखर की आपने बात की तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। मैं अगर कहूँ जो गाना गाया था मैंने ओम शांति ओम के लिए, उसको 2007 या 8 में गाया था मैंने, आज 12-13 साल से उनको एक भी गाना ऐसा नहीं मिला जो सुनने निगम के लायक हो। वो और कोई झगड़ा नहीं, कोई कटु भाव नहीं। मैं इनफैक्ट मैंने मेरे मैनेजर बेन थॉमस को उनको दिया था ताकि क्योंकि एक बार मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मैं लाइक करता हूँ, आई स्टू ऑलवेज लाइक देम एंड आई स्टिल लाइक देम। तो देखिए उनको ये दिया था कि भाई मेरे कॉन्सर्ट सबसे ज़्यादा होते ही थे, अब हमारा मैनेजर बेन थॉमस सबको जानता है तो फिर विशाल शेखर के भी शोज अच्छे होंगे, क्योंकि जब हर जगह तो मैं जा नहीं सकता तो मेरे बाद यही जाएंगे हमेशा। तो इतना तक मैं सोचता हूँ, मतलब आई डोंट रियली, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी के पे एहसान नहीं कर रहा, इट्स जस्ट माई इंटरेक्शन थ्रू द विद द यूनिवर्स। बट बात तो क्वेश्चनेबल है कि 12-13 साल में उनको एक भी गाना ऐसा नहीं मिला एंड जो दिस इज द वर्जन ऑफ पीपल हु फॉलो द म्यूजिक. और मुझे मुझे इनसिक्योरिटी समझ नहीं आती, बिकॉज मुझे लगता है ये समुद्र है. ये कोई मतलब एक छोटा सा बाल्टी तो है नहीं जिसमें बस लिमिटेड पानी है. ये तो समुद्र है, मतलब जितना. नहीं होगी शायद। आई डोंट थिंक प्रोबेबली दे लाइक मी एज यू नो, होता है ना किसी किसी, जैसे मुझे कॉकरोच पसंद नहीं है तो उनके लिए मैं कॉकरोच हो जाऊंगा। दे मस्ट फील कॉकरोच है, इसको इससे दूर रहो। किसी किसी को किसी से घिन आती है बिना बात के, मुझे कॉकरोच की गलती नहीं, कॉकरोच ने मुझे आके कोई गाली नहीं दी है, बट मुझे कॉकरोच देखता तो मुझे ऐसा होता है, तो हो सकता है उनके लिए मैं कॉकरोच हूँ। तो ऐसे होता है कई चीजें। सो यही कारण है कि जो मुझे या किसी को आप कम सुनते हैं, इसके पीछे कई मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। बट हाँ, उन म्यूजिक कंपोजर्स का गाना भी जायज है, मैं आपको फिर से कह दूँ।